पहली कॉलर जुड़ गई है, बात कर लेते हैं। कमला जी है चंडीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, ऐसे है कि मेरे को ना बीपी शुगर थायराइड भी है और कराटे की समस्या ज्यादा है। ठीक है, एज क्या है आपकी? और मेरी 64। मैम आप हेल्दी हैं क्या? बहुत ज्यादा? हाँ हाँ जी, मेरा 75 है जी। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, थायराइड वालों को अक्सर खर्राटे आते हैं, ये भी निशानी है थायराइड होने की कि खर्राटे आने लगते हैं। मैं आपको दो नुस्खे बताता हूँ, आप लिख लें अलग अलग, और इससे थायराइड तो आपका ठीक भी हो सकता है पूरी तरह अगर आप नुस्खा लिख लें। थायराइड के लिए देखिए, धनिया 300 ग्राम, इसकी तादाद ज़रूर लिखें, इसका वज़न लिखना ज़रूरी है। धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और गौंद मोरिंगा सफ़ेद, सफ़ेद वाला ही लेना है 100 ग्राम। इनको पाउडर बनाएं और वो दवा जो आप खाते हैं उसके साथ ही ये भी आप दिन में एक बार या दो बार खाएं, पानी के साथ गर्म पानी 5 बार पिएं, तो थायराइड ठीक होगा तो ये आपका वेट भी ठीक होगा और वेट ठीक होगा तो खर्राटे ठीक होने चाहिए। अब बीपी शुगर का इलाज भी ज़रूरी है, ये कभी भी हमें तकलीफ़ में डाल जाता है। बीपी से हमें फालिज हो सकता है, लकवा, पैरालिसिस जिसे कहते हैं, तो एक ऐसी भी दवा है जो इन दोनों का बड़ा ख्याल रखती है, शुगर को भी स्थिर रखती है। वो दवा भी खाते रहें जो आप खाते हैं, और जैतून का सिरका ख़रीद लें और एक बार या दो बार दिन में, देखिए पानी में 3 चम्मच टीस्पून मिलाकर 1 गिलास पानी में रोज़ एक बार या दो बार पीना चाहिए, तो इन दोनों बीमारियों पर कड़ी पहरेदारी करता है और शुगर का भी बहुत ख्याल लगता है। आप अगर लगातार लें तो आप सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं।